हे गाइस, दिस इज साहिल एंड यू वाचिंग साहिल टेक। सो गाइस, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने कोई भी सैमसंग के कीपैड फ़ोन का पिन लॉक, पासवर्ड लॉक या फिर फ़ोन कैसे अनलॉक कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपका लॉक लगा हो तो आप उसे कैसे रीड कर सकते हैं। इसमें रिमूव करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी, इसमें आपका कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा, तो आप सिंपली उसे रीड कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको सबसे बेस्ट मेथड बताऊंगा कैसे आप सिर्फ एक क्लिक पे उसे रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको बॉक्स की कोई ज़रूरत नहीं होगी, तो इस वीडियो को आप देखते रहिए। और फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड, आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारी बहुत हेल्प हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे मेरे पास है सैमसंग का एक कीपैड फ़ोन जिसका मॉडल नंबर है SMB110E। तो यहाँ पे इसका पासवर्ड लगा है, तो मुझे नहीं पता इसका क्या पासवर्ड है, तो इसे कैसे रिमूव करना है मैं आपको बताता हूँ कैसे आप विदाउट बॉक्स इसे रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये अलादीन का क्रैक आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा। तो डाउनलोड और इंस्टॉल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, इसी से आप इसे रिमूव कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें आप कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इसमें बता देता हूँ इसे कैसे आपको डाउनलोड करना है और किस तरीके से आप इस टूल को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस तरीके की लिंक दे दूँगा। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके की लिंक मिलेगी, तो आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऐड देखने को मिलेगा 5 सेकेंड का। तो यहाँ पर ये देखिए, ऐड चल रहा है 5 सेकेंड का। तो अब यहाँ पे ऐड कंप्लीट हो चुका है, इसकी ऐड ऑप्शन पे राइट क्लिक करना है और ओपन लिंक की न्यू टैब वाले इस पर क्लिक कर देना है, और इस टैब को आप ओपन कर लिएगा। तो यहाँ पे आप मेरी वेबसाइट में आ चुके हैं। वेबसाइट में आने के बाद आपको नीचे आ जाना है, नीचे आपको डाउनलोड लिंक मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का लिखा हुआ है डाउनलोड लिंक, इसके पास आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की लिंक लिखी है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको तीन लिंक मिलेंगी, सर्वर 1, सर्वर 2 और सर्वर 3। जैसे कि आप देख सकते हैं, सर्वर 1 मेगा की, सर्वर 2 गूगल ड्राइव और अल्टरनेट है। आप सर्वर 1 से डाउनलोड करिएगा, मेगा की सबसे बेस्ट रहती है, करप्ट नहीं होगी। तो आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लिएगा। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक और ऐड देखने को मिलेगा 5 सेकेंड का, यहाँ पे आपको 5 सेकेंड के लिए वेट करना होगा। तो अब यहाँ पे ऐड कंप्लीट हो चुका है, इसकी ऐड पे आपको राइट क्लिक करना है और ओपन लिंक की न्यू टैब वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पे आप मेगा की लिंक मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे रेड कलर के बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो रहा है, इसी तरीके से आप और भी टूल डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है, इसके बाद आप इसे एक्सट्रैक्ट करने से पहले अपना एंटीवायरस डिसेबल कर लीजिएगा। जो भी आप एंटीवायरस यूज़ कर रहे हैं तो उसे आप डिसेबल कर लीजिएगा। अगर से आप विंडोज 10 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका डिफेंडर होता है, उसे डिसेबल कर लीजिएगा, ऑफ़ कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरा ऑफ़ है, तो आप उसे ऑफ़ कर लीजिएगा। ऑफ़ करने के बाद आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा इस जिप फाइल को। तो यहाँ पे जिप फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, इस फोल्डर को आप ओपन कर लिए। फोल्डर ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं एक SPD की ड्राइवर मिलेगी और यहाँ पे आपको पूरा सेटअप मिलेगा। तो आप इस सेटअप को ओपन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये सेटअप इसका मिलेगा और यहाँ पे कीजेन मिल जाएगा और पासवर्ड। तो आपको सेटअप को डबल क्लिक करके रन कर लेना है, और यहाँ पे ये देखिए सेटअप आपका रन होने लगेगा। तो अब यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना है, ओके पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे आपको ये पासवर्ड मांगेगा, तो ये पासवर्ड आपको दे रखा है मैंने, ये देखिए GSMX, ये पासवर्ड आपको कॉपी कर लेना है पूरा। कॉपी करके सिंपली आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे पासवर्ड पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे इस पे टिक कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन इसका शुरू हो चुका है, ये इंस्टॉल हो चुका है। तो अब यहाँ पे इंस्टॉल हो जाने के बाद इसको रन कर लेना है, आपको राइट क्लिक कर देना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके आपको शॉर्टकट को रन कर देना है डेस्कटॉप पे। इसके बाद आपको यहाँ पे ये आपको की मांगेगा, तो की मांगने के लिए आपको ये हुडी कॉपी कर लेना है पूरी। तो इसे आप कॉपी कर लिएगा, कॉपी करने के बाद आपको मैंने फोल्डर में कीजेन दे रखा है, तो यहाँ पर आपको कीजेन को ओपन करना है। तो यहाँ पर इस कीजेन को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको की पेस्ट कर देना है और यहाँ पे से जनरेट कर लेना है आपको पूरी की, इसको कॉपी करके वहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है सिंपली, तो आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पर आप यहाँ पे की पेस्ट करेंगे और यहाँ पे से आप अपना नाम डाल देंगे, तो कुछ भी नाम डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है, तो आपका ये देखिए रजिस्टर हो चुका है। जैसे आप इसे कट कर देंगे पूरे को, कट करने के बाद फिर से आप रन करेंगे तो आपका ये रन हो जाएगा। तो यहाँ पर रन एडमिनिस्ट्रेटर दे के आप रन कर लीजिएगा अपना। तो अब यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा, 5-10 सेकेंड इसमें लगते आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इसमें ये ओपन हो जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम ले रहा है। तो फाइनली गाइस, ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको अब क्या करना है, अपने यहाँ पे से अपना फ़ोन चूज़ कर लेना है। यहाँ पे SPD फ़ोन है मेरा, तो इसके बाद यहाँ पे मैंने SPD चूज़ कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए बूट की यहाँ पे से आपको सिलेक्ट कर लेना है अपना बूट, कौन सा आपका बूट है।
तो यहाँ पे मेरा है स्पून का बूट 3A का, ये देखिए यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ बूट 3। आप चेक कर सकते हैं गूगल पे अपना बूट, अगर से आपको नहीं पता गूगल पे अपना मॉडल डाल के आप उसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना बूट चूज़ कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे USB रहने देना है, ये देखिए USB है, यहाँ पे USB रहने देना है और यहाँ पे पासवर्ड रीड पासवर्ड पे आपको क्लिक कर देना है, ये ऑप्शन चूज़ कर लेना है। फिर इसके बाद आपको अपने फ़ोन को कनेक्ट करना है, यहाँ पे कनेक्ट क्लिक कर देना है, स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पे अपने फ़ोन को कनेक्ट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी बैटरी रिमूव कर दी अपने फ़ोन की। बैटरी रिमूव करने के बाद फिर से उसमें थोड़े कुछ सेकंड के बाद इंसर्ट कर दिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपका बीच वाला बटन होता है ओके का बटन, इसको होल्ड करके रखना है कुछ टाइम के लिए और यहाँ पे आपको USB इंसर्ट कर देना है अपनी। ये देखिए जैसे कि मैंने USB इंसर्ट कर दी, अब यहाँ पे आपका फ़ोन डिटेक्ट कर लेगा ये। तो यहाँ पे फ़ोन ये देखिए इसने डिटेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे पूरा रीड कर रहा है, ये पूरी फ्लैश रीड कर लेगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड सारे लॉक बता देगा, स्क्रीन लॉक, प्राइवेसी लॉक, फ़ोन लॉक। तो यहाँ पे ये देखिए इसने सारे लॉक बता दिए, ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन लॉक, प्राइवेसी लॉक। तो यहाँ पे मेरा अनलॉक फ़ोन वाला लॉक है ये सबसे लास्ट वाला, तो ये आपका भी होगा। तो यहाँ पे सर ट्रिपल ये 4 2x4 है, तो यहाँ पे मैं डाल के देख लेता हूँ 4x2 है सॉरी। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा फ़ोन अनलॉक हो चुका है, ये देखिए ये ओपन हो रहा है अब। तो यहाँ पे अब ये देखिए मेरा फ़ोन ओपन हो चुका है, इस तरीके से आपका भी फ़ोन ओपन हो जाएगा। तो इसी देखिए पासवर्ड आप इसका रीड कर सकते हैं। तो गाइस आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals.